नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पारा शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय से 6% की राशि कटेगी और 6% राज्य सरकार देगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग ने अपनी अनापत्ति भी दे दी है। अब इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतिम निर्णय लेना है। राज्य सरकार इस पर बुधवार को पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी दे सकती है। अगर सहमति नहीं मिली तो बजट सत्र में इसके प्रावधान किए जाएंगे और पारा शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। ईपीएफ की सरकार मद की ओर से दी जाने वाली राशि मानदेय बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगी। पारा शिक्षक 1 जनवरी से सहायक अध्यापक कहलाएंगे, साथ ही उनके मानदेय में भी 40-50% बढ़ोतरी जनवरी में हो जाएगी। 60 साल की स्थायी सेवा पर लगेगी मोहर। कैबिनेट बैठक में बुधवार को पारा शिक्षकों के 60 साल की अस्थायी सेवा पर मोहर लगेगी। इसके अलावा सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 10% मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 4 आकलन परीक्षाएं होंगी। सामान्य कोटि 40%, आरक्षित कोटि 35% अंक वाले इसके पात्र होंगे। पारा शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार 60% राशि देती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2022 के बाद पारा शिक्षक नियोजित शिक्षक या अनुबंध पर शिक्षक नहीं होंगे। इस पर राज्य के पारा शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार राशि नहीं देगी। ऐसे में राज्य सरकार को पारा शिक्षकों के मानदेय के मद की पूरी राशि वहन करनी होगी। इसका प्रावधान आगामी बजट में किया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।